सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जुलाई में आने वाले एनिमे मूवीज का रिलीज डेट कंफर्म हो चुका है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो 19 जुलाई या फिर कह सकते कि 19 जुलाई को तीन मूवी रिलीज होने वाला है। हाँ सही कहा, एक साथ तीन मूवी। पहला है यामातो यो तोवानी रिबेल 3199, या फिर कह सकते हैं कि बी फॉरएवर यामातो रिबेल 3199। ये सीक्वल है उची सेंकान यामातो 2205 आरातानारु ताबी दाइची, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं स्पेस बैटलशिप यामातो 2205 अ न्यू व्लॉग, जो 2021 में रिलीज हुआ था। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये जो एनिमे है इसकी शुरुआत 1974 से हुई है, मतलब अभी तक इसको 40 साल हो चुके होंगे। लेकिन प्रॉब्लम इसके प्लॉट के बारे में, इसका प्लॉट के बारे में ज्यादातर तो बताया नहीं गया है, लेकिन जैसे आएगा वैसे पता चल जाएगा इसका प्लॉट। दूसरा एनिमे मूवी है गोस्ट कैट आंजू चैन। इसका प्लॉट जहां तक सुनने में आया है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 11 साल की बच्ची कारिन को उसके पापा उसके ग्रैंडफादर के यहाँ छोड़ देते हैं, और कारिन के ग्रैंडपा जो है वो एक मॉन्ग है, जो कारिन से कहते हैं कि अंजू नाम की जो एक घोस्ट कैट है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको इंसानी भाषा आती है, मतलब ह्यूमन लैंग्वेज उसको पता है। अभी दोनों के एक दूसरे से मिलने के बाद क्या क्या होता है उन दोनों के लाइफ में, इसको देखने में मजा आएगा। तीसरा एनिमे है स्ट्रॉबेरी मूवी द स्टोरी ऑफ द बिगनिंग स्ट्रॉबेरी स्कूल फेस्टिवल, और ये मूवी रियल लाइफ जापानीज वीट्यूबर बैंड स्ट्रॉबेरी प्रिंस पे बेस्ड है। जिसको नहीं पता उनको बता दूं कि स्ट्रॉबेरी प्रिंस के फाउंडर और ग्रुप लीडर नानामोरी ने 4 जुलाई 2016 में ये बैंड को स्टार्ट किया था। 26 जुलाई को मोनोनोके मूवी काराका से रिलीज होने वाला है। जहां तक मुझे लग रहा है ये 2006 में जो एनिमे मोनोनोके रिलीज हुआ था उसका मूवी है। अगर ऐसा हुआ तो हमें मेडिसिन सेलर देखने को मिलेगा, जो मोनोनोके वायरस के जड़ को खोद के निकालेगा। तो यही तक था आज का वीडियो गाइस, और आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट सी यू एंड माइक ड्रॉप।